आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे कुछ गार्डन में लगाए जाने वाले फाउंटेंस का, और जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मेंशनड हैं उन सब का अमेज़ॉन का ख़रीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक को क्लिक करके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मीशो ऐप के बारे में। मीशो ऐप एक रीसेलिंग ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है और मेरा रेफरल कोड आपको मिलेगा जो आपको स्क्रीन पर भी अभी नज़र आ रहा है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको अपने पहले ऑर्डर पे 30% ऑफ भी मिलेगा। तो एप्लीकेशन को मेरे लिंक से डाउनलोड करने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट आपने देखना है, प्रोडक्ट कैटलॉग्स आपने खोलने हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और पैसा बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया है, मैंने प्लास्टिक का टब लिया है, आप चाहें तो सीमेंट का या मिट्टी का टब भी ले सकते हैं। इसके बाद टब में मैंने पानी भरा है, इतना पानी का लेवल रखें कि बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें फाउंटेन चलाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा और वेस्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक टब को मत भरिए। और साथ में जब भी आप घर में कोई भी पानी वाले प्लांट्स या पानी का फाउंटेन लगाएं तो आपने कम से कम उसका पानी जो है हर 5 दिन में चेंज ज़रूर करना है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो उसमें आप मिट्टी का तेल या कोई जो भी इंसेक्टिसाइड आप उसमें डालते रहिए ताकि उसमें मच्छर वगैरह पनप ना पाए। इसके बाद मैंने लिया है वाटर पंप। जो वाटर पंप है ये आपको किसी भी एक्वेरियम की शॉप पे या किसी भी वाटर कूलर की शॉप पे आराम से मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन लिया था, आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वाटर कूलर का जो पंप है उसको हम टब के बीचों बीच अच्छी तरह से सेट कर देंगे ताकि फाउंटेन अच्छी तरह से निकले। और वाटर का जो पंप है वो हमेशा पानी में कवर्ड रहना चाहिए, पानी में डूबा रहना चाहिए। अगर पानी इसमें कम हो जाएगा तो वाटर पंप आपका ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा पानी में इसे डूबो के रखिए। इसके बाद हम अपना फाउंटेन किट देखेंगे। जो फाउंटेन किट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था ये सोबो फाउंटेन किट है, और इसके अंदर दो अलग अलग अटैचमेंट्स हैं जिसमें बहुत ही खूबसूरत दो अलग अलग तरह के फाउंटेन्स आप अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें अटैचमेंट दिए हुए हैं, काफ़ी सारे एक्सटेंशन भी दिए हुए हैं, और काफ़ी तरह की एक्सटेंशन आप देख सकते हैं जिससे आप फाउंटेन की हाइट जो है ऊपर नीचे अपने हिसाब से, जितनी आपने फाउंटेन की हाइट रखनी है अपने एरिया के हिसाब से आप वो रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया है तो आप फाउंटेन की हाइट और ऊँची रख सकते हैं। तो मैंने पहला अटैचमेंट लिया है इस फाउंटेन किट का, और ये हमारे फाउंटेन किट को थोड़ी सी फाउंटेन को हमारी हाइट देगा। तो उसको मैंने वाटर पंप में मैंने इसको सेट कर दिया है, अच्छी तरह से इसे फिक्स करना है। इसके बाद मैंने दूसरा अटैचमेंट लगाया है जिससे हमारे फाउंटेन को थोड़ी सी हाइट मिल पाए। आप अपने एरिया के हिसाब से फाउंटेन की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पहला अटैचमेंट लिया है जो कि पानी का जो अटैचमेंट लिया है इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया, अलग अलग कर लिया है, और इसे हमने जो हमने वाटर फाउंटेन को हाइट देने के लिए जो पाइप्स लगाए थे उसके अंदर हम अच्छी तरह से इसे फिक्स करेंगे और देखते हैं कि कैसा लगता है चल के। तो ये था पहला फाउंटेन अटैचमेंट, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। आप टब के अंदर जो है और डेकोरेशन कर सकते हैं, आप इसके अंदर पेबल्स या और कोई डेकोरेटिव जो पत्थर आते हैं वो पॉन्ड के किनारे जो मिलते हैं वो वाले पत्थर डालेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये आप इस टब की डेकोरेशन और भी ज़्यादा शोभा और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके अंदर आप कुछ वाटर वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, आप इसमें वाटर कैबेज उगा सकते हैं, वाटर लिलीज लगा सकते हैं, उससे इस टब की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो था खूबसूरत सा पहला हमारा वाटर फाउंटेन का अटैचमेंट। आइए अब दूसरे अटैचमेंट को देखते हैं वो कैसा लगता है। तो दूसरा अटैचमेंट आप देख सकते हैं शावर हेड जैसा दिखने में लग रहा है, और देखते हैं हम इसे लगा के इंस्टॉल करके कैसा लगेगा ये। तो दूसरे वाला अटैचमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें पानी निकल रहा है, एक काफ़ी ट्रेडिशनल जो वाटर फाउंटेन होता है वो उसी तरह से लगता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है लगा हुआ। आप इसको किसी चौड़े से पानी के टब में या फिर कोई पॉन्ड में अगर आप इसे लगाएंगे तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। पानी की आवाज़ अपने गार्डन में सुनना बहुत ही रिलैक्सिंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आपके गार्डन में ऐड करता है ये प्रोडक्ट। तो उसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, और अगर आपको प्रोडक्ट ये पसंद आया तो आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे दिए गए लिंक से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उससे मीशो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।